नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जुनकाल में जो बड़ी घटना होने वाली है, दोस्तों उन्हें घटना जीवन का कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक बात मानो ब्रह्मा का लकीर है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जुनकाल में कल से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय आने वाला है, जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी खुशखबरी है, कुछ ऐसी सच्चाई है और कुछ ऐसे ही जानने वाली बात है जो कि दोस्तों जानना आप सभी के जीवनकाल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारा बस आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अपने जीवनकाल के महत्वपूर्ण समय को निकाल कर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जीवन काल की वह ज्ञान प्राप्त होगा, जीवन काल की वह मूल मंत्र प्राप्त होगा, सफलता की आपकी वह चाबी प्राप्त होगा, जिनसे दोस्तों आप शिव के जीवन काल में सुखे जीवन में भी हरियाली आ जाएगी, खुशियों की रेत बहने लगेगी। जीवन काल में ऐसा खुशियों का मैदान में आप दौड़ेंगे, चारों तरफ आपको वह सुख सुविधाएं मिलेंगी जिन्हें पाने के लिए आप पिछले कई समय से मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सफलता पाने के लिए आप पिछले कई समय से लगातार दिन रात एक कर रहे हैं, दोस्तों अब आपको वह सफलता मिलने वाली है। जिन कामों में आपने हाथ लगाए हैं दोस्तों, अभी तक उनमें सफलता नहीं मिली है, ना ही कोई कार्य आपका बना है, तो दोस्तों वे सारे कार्य अब संपन्न होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ग्रहों की स्थिति में कुछ ऐसे ही बड़े परिवर्तन कल से होने वाले हैं, जिनमें दोस्तों आप सभी के कुंडली के लिए और आप सभी की राशि के लिए मानो दोस्तों भगवान का दिया हुआ वरदान ही है। जी हाँ दोस्तों, ये भगवान का दिया वरदान से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे योगों का निर्माण, ऐसे ग्रहों की स्थिति और ऐसे दोस्तों राशि का परिवर्तन आपके लाभ भाव में हो जाना, दोस्तों कलयुग में ऐसे बहुत ही कम राशियों हैं जिनके जुनकाल में ऐसे ग्रहों की स्थिति बनती है। जी हाँ दोस्तों, और कल से आप सभी के जुनकाल में एक प्रकार से कहें कि दोस्तों आप सभी के जुनकाल के लिए अमृत काल युग बन रहे हैं, जिनमें दोस्तों आप सभी को सारे जीवन काल की समस्याएं से भी मुक्ति मिलेगी और जीवन काल में आपके वे सारे सुख सुविधाएं आने वाली है जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी की नींद उड़ जाएगी। युग हैं तो दोस्तों खुशियों की मिठाई आप बांटने वाले हैं, ढोल नगाड़े कल से आपको बजवाने पड़ेंगे। कि दोस्तों खुशखबरी ही कुछ ऐसी है कि दोस्तों आप फूले नहीं समाएंगे। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी बातें भी है जिनका ध्यान रखना आप सभी के जीवनकाल के लिए और आपके हर एक लाभ की उपस्थिति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों माता रानी के सभी सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से जो कि दोस्तों आपको इस कलयुग में रहना है तो दोस्तों इन्हें आपको जानना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रहना सभी के बस की बात नहीं, रहते तो सब है लेकिन दोस्तों जीवन काल में तरक्की वही लोग कर पाते हैं जिनको ये सारे ज्ञान पता होते हैं, जिनको यह बात का अर्थ पता होता है। तो दोस्तों बिल्कुल ही यह ज्ञान को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों यह बात है, दया का पात्र बिल्कुल ना बने। जी हाँ दोस्तों, कोई आपसे किस प्रकार का व्यवहार करता है यह आप खुद तय करते हैं। मसलन जब आप अपने आप को असहाय और कमजोर समझने लगते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। इसके विपरीत अपनी हर समस्या और परेशानी की घड़ी में मजबूती से खड़े रहने वाले लोग दुनिया के सामने भी एक मिसाल बन जाते हैं। इसलिए लोगों की सहानुभूति पाने से बेहतर है कि दुख को एक मजबूत मिसाल के रूप में सामने रखा जाए। पर कुछ लोगों की आदत हमेशा चिंता में डूबे रहने की होती है, क्योंकि ऐसा करना उन्हें दूसरों की दया का पात्र बना देता है और वह अपने जीवन की सच्चाई को नकारते हुए बाकी लोगों की सहानुभूति में अपना सुकून तलाशने लगते हैं, जो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इस तरह का भाव आपको जीवन के संघर्ष में बहुत ही पीछे ले जाता है। इसलिए सही को सही और गलत को गलत कहने का हौसला अपने अंदर कभी ना मरने दें।
जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप बिल्कुल ही अपने जुनकाल में ध्यान रखें अगर आपको इस कलयुग में राज करना है तो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह परम ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो, इनमें सच्चाई लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा। और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों विषय के साथ बात करते हैं कि कल से आप सभी के जुनकाल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, जो ग्रहों की स्थिति होने वाली है उनमें आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना आपके लिए और आपके जीवन काल के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके घर के माहौल में, पारिजन में, आपके लव लाइफ में प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन से सुधार होने वाले हैं। माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में कल से कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, दोस्तों जानेंगे इन सभी के बारे में पूरे ही विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में अपना कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना का प्रारूप बनाना आपको कार्यों में गलती होने से बचाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति की आपको मदद करनी पड़ सकती है, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा करने से आपको मानसिक और फिर आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। किसी नए काम की पहली कमाई आने की संभावना भी यश में बन रही है। साथ ही दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में मामा पक्षों के साथ संबंधों को खराब ना होने दें। ये जो समय है आपके लिए, आपका अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत होगा और दोस्तों परंतु उसका कोई भी लाभदायक नतीजा आपके सामने यश में नहीं आएंगे। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, आर्थिक स्थिति कुछ मंदी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें, यश में आप जो है महत्वपूर्ण संबंधी कोई भी सकारात्मक बात आपको इसमें पता भी चल सकती है, जिस बात के बारे में आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, दोस्तों उसी से संबंधित प्रगति इसमें आपको नजर भी आएगी। आपको बता दें कि परिवार से दूर रहने वाला व्यक्ति घर लौटने की कोशिश कर सकता है। विदेश में रहने वाले व्यक्ति द्वारा आपको कोई अच्छी खबर यश में मिल सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत आप महसूस करेंगे तथा घर परिवार और व्यवसाय में उचित सामंजस्य भी यश में बना रहेगा। दोस्तों कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में समय को व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको इससे नई ऊर्जा की अनुभूति भी होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें गुणात्मक और रचनात्मक संबंधी कार्य में आपका विशेष यश में रुझान बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अपने विचारों में लचीलापन रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी बात पर जिद करने या फिर अड़ जाने से आपके काम खराब हो सकते हैं, तो दोस्तों इस बात के यश में आपको अति ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किसी मित्र के साथ विचार विमर्श करना आपकी समस्याओं का हल निकाल सकता है। दोस्तों यश में संतान की गतिविधियों पर आपको नजर रखना अति आवश्यक होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके प्रयत्न की यश की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यश समय सकारात्मक फल देने वाला समय होगा। दोस्तों सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए भी काम से संबंधित कोई अच्छा खबर भी, अच्छा सूचना भी यश में मिल सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि शुरुआत में आपके महत्वपूर्ण कामों से जुड़ी सभी योजनाएं बनने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो समय होंगे आपके लिए उतना आपके पक्ष में नहीं होंगे, उतना आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे जितना आप परिश्रम करेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपके कार्य स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। आप अपने अंदर बहुत ही आत्मविश्वास को इसमें महसूस करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षमता में यश में पूरे दिन पूरे समय में आपको वृद्धि होने की संभावना बन रही है। आपको बता दें यश में भावुकता और आलस्य अपने आप को आपको दूर रखना चाहिए, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए तथा दोस्तों यश में अनुकूल समय का बेहतरीन उपयोग आपको करना चाहिए। आत्म केंद्रित होने के बजाय आपको सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में भी रुझान यश में रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों मौज मस्ती पर जरूरत से अधिक किया पैसा खर्च आपके लिए खराब हो सकता है। दोस्तों खर्चा आपके लिए तकलीफदायक या फिर तकलीफ पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि पैसे और व्यक्तिगत जीवन संबंधित अधिक जागरूकता जो है दिखने की आवश्यकता इसमें हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि आप पर बना तनाव यश में कम हो रहा है, फिर भी दोस्तों काम पर आप पूरी तरह से ध्यान यश में नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से आपको नुकसान होने की आशंका बन रही है। तो दोस्तों खासकर इससे आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने ध्यान पर आपको जो है अपने काम पर आपको ध्यान केंद्रित करने की इसमें आवश्यकता होगी।
और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए सुनूंगी, आपको बता दें कि दोस्तों वर्तमान में ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत अद्भुत शक्ति का निर्माण कर रही है, आपको अद्भुत शक्ति इसमें प्रदान करने वाली है। दोस्तों अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचाने और उसका उपयोग करें। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में इसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आपको बता दें कि इसमें आपको कई दिनों से लेकर जो भी सूचना नहीं मिली थी दोस्तों, वह महत्वपूर्ण सूचना इसमें आपको मिलने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों इसमें ज़्यादा सोच विचार करने से समय को नष्ट ना करें तथा अपनी योजनाओं को तुरंत जो है क्रियान्वित करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। बाहरी गतिविधियों में भी आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी आपके लिए इसमें परेशानी का कारण बनेगा, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें। साथ ही इसमें आपको अपने गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को संभालने की जरूरत होगी, दोस्तों ये आपके लिए इसमें बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार के साथ हो रहे पुराने झगड़ों को खत्म करने की आपको इसमें कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों यदि कोर्ट में या फिर प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी विवाद चल रहा हो तो दोस्तों उसे आपसी सामंजस्य से मिटाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों केस से संबंधित जो भी निर्णय होंगे वे आपके पक्ष में इसमें होने की संभावना जो है बहुत ही कम होगी और इससे आपको नुकसान भी होंगे। तो दोस्तों जितना हो सके इसमें समस्या को घर बैठकर सुलझाने की कोशिश करें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपके व्यवसाय को लेकर बात करें अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों इसमें आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेंगी, व्यवसायिक स्थल पर कार्य प्रणाली में बहुत अच्छा बदलाव भी आने की संभावना बन रही है। पब्लिक रिलेशन रखने वालों के लिए बहुत अच्छा खबर इसमें आपको मिल सकता है। दोस्तों व्यवसाय संबंधी नए स्रोत भी इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। आपको बता दें कि जो लोग हैं आपके संपर्क में रहेंगे और नौकरी में किसी प्रकार की तरक्की भी इसमें आपको दिलाने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में काम से संबंधित कोई नुकसान होने की भी आशंका बन रही है। दोस्तों आवेश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, खासकर अपने कर्मचारियों के साथ, कर्मचारियों तथा काम की क्वालिटी पर आपको विशेष नज़र रखना चाहिए। आपको बता दें कि नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपने अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। यह समय आपको अपने ऑफिस के काम का विशेष ध्यान देना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। शायदार संबंधी बिजनेस में इसमें मुनाफा होगा, अपने सहयोगों के निर्णय में विशेष महत्व दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, जो कि आपके लिए इसमें फायदेमंद साबित होंगे। आपको बता दें कि सरकारी स्वायत्त व्यक्तियों के लिए आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आने की वजह से नौकरी संबंधी जिम्मेदारियाँ आपका इसमें और अधिक बढ़ने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जिसमें होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जिसमें होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि साझेदार संबंधी कार्य यश में मुनाफे में रहेंगे तथा पार्टनर के साथ आपसी सहयोग और सलाह व्यवसाय को और अधिक गति प्रदान करने वाले हैं। नए अनुबंध भी यश में आपको प्राप्त होंगे, नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी यश में प्राप्त हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों प्रेम संबंधों में नजदीकियाँ आने वाली है। पति पत्नी के संबंध में ईगो को लेकर नोक झोंक रह सकती है। आपको बता दें कि अपने दाम्पत्य जीवन में मधुर बनाकर रखना आपके लिए इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों इसमें आपको अपने वाहन प्रश्न में रखना है और कोई भी कार्य को करने से पहले अपने जीवन साथी का सलाह अवश्य लें, ये आपके लिए इसमें बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी के किसी बात को लेकर नोक झोंक तो रहेंगी, किसी भी वाद विवाद में शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें सुलझाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और आप इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा भी पाएंगे। तो दोस्तों जो है गुस्से के बजाय इसमें शांतिपूर्ण तरीका का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और साथ ही दोस्तों परिवार व फिर नजदीकी मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से संबंध में और अधिक मजबूती आएंगी, तो इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही इनसे पारिवारिक वातावरण और भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके हेल्थ की, तो दोस्तों यश में सर्दी से अपना बचाव रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करें और इसके लिए आपको योगा और व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें अगर आप साधनिक रोकेंगे तो अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। कभी कभी मनोबल में कुछ कमी भी महसूस होगी, परंतु जल्दी ही आप ऐसी स्थिति में उभर जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको इन पर ध्यान देना चाहिए, सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी। और साथ ही दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा आसमानी और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।